भारतीय संस्कृति को जिनका जीवन समर्पित है, भारत की सुरक्षा के लिए जो सदैव सजग हैं, भारत के गौरव, भारत के रत्न और भारत की गरिमा को, गौरव को पूरे विश्व में ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले, भारत की सुरक्षा को सदैव प्रथम रखने वाले, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, ऐसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदरणीय मेरे प्रिय और अभिन्न श्री अजीत डोभाल जी, आज इस कठिन दौर में अपना अपना समय निकालकर उपस्थित इस मंच पर सभी मेरे आदरणीय और काबिल-ए-एहतराम धर्मगुरु जिन्हें मैं नमस्कार करता हूं, ऐसे दौर में आज आपने ये विचार रखने के लिए सबको बुलाया है, मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है। आदरणीय चिश्ती साहब ने अजमेर से जब मुझे बताया, संदेश भिजवाया, तो मैंने कहा मैं जरूर वहां पर उपस्थित होता, लेकिन क्योंकि मैं इस समय अमेरिका में हूं और वो भी एक ऐसी धरती पर, शिकागो की वो धरती जहां स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति का जो संदेश दिया, भारतीय संस्कृति से परिचय कराया, और वो संस्कृति है अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, भारत विविध संस्कृतियों का, भाषाओं का, बोलियों का, रस्मों का, रिवाजों का देश है, और इतने हजारों सालों के बाद भी सारी सभ्यताएं, कितनी सभ्यताएं मिट गई हैं, लेकिन भारत आज भी खड़ा है। इसलिए खड़ा है कि हमने एक दूसरे के सम्मान को बरकरार रखा है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से जीते आए हैं, और आज पुनः अपने वतन को चमन बनाने के लिए, वतन में अमन कायम रहे इसके लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा, सबको साथ मिलकर काम करना होगा। वेद में बड़ा प्यारा मंत्र है, संगच्छध्वम संगवदध्वम संगवो मनांसि जानताम। आइए सब मिलकर साथ साथ आगे बढ़ें, सब मिलकर प्यार से एक दूसरे को गले लगाएं, सब साथ साथ इस वतन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि नफरत से कभी किसी का नफा नहीं हुआ और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम अगर आगे बढ़े तो सब समस्याएं सुलभ हो सकती है, समाधान उनका हो सकता है। ये माना कि जमीन को गुलजार ना कर सके हम, कुछ कांटे तो कम हुए गुजरे जिधर से हम, धर्म गुरुओं का तो काम ही यही है। भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी को देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो पिछले 42 साल से अमेरिका आ रहा हूं, मैंने भारत की इज्जत को पहले भी देखा है, और लेकिन आज जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में जाने लगे हैं, भारत विश्व में छाने लगा है, छाता जा रहा है, और अभी नया सर्वे आया है दुनिया के 25 ताकतवर देशों का, जो सर्वे हुआ है उसमें भारत अमेरिका और रूस के बाद तीसरे नंबर पर आ गया है। ये है भारत की ताकत, लेकिन इस ताकत को बनाए रखने के लिए हम सबको ताकतवर बनना होगा। भारत की ताकत किसी दूसरे को गिराने के लिए नहीं, नफरत के लिए नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की है। इसलिए ये मंत्र है भारत का, सबका साथ और सबका विकास। हमें भाईचारे के बल पर, समता समरसता और समझदारी के बल पर अपने भीतर खड़ी हुई दीवारों को तोड़ना होगा, दरारों को भरना होगा और अपने दिलों को जोड़ना होगा। जब दिल जुड़ते हैं तो दुनिया जुड़ती है, और इसके लिए आइए हम अपने मूल से जुड़ें, अपने मूल्यों से जुड़ें, अपने को उन विचारों से जोड़ें जिन विचारों को हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने दिया है, पुरखों ने दिया है, उससे हम अपने परिवार को जोड़ें, अपने आने वाली पीढ़ी को जोड़ें, अपने बच्चों को जोड़ें, अपने बच्चों के अंदर भी प्रेम का भाव जगाएं। बता दें हम कि कोई धर्म हिंसा नहीं सिखाता है, पूरे विश्व को इस्लाम का ये संदेश जाए भारत से कि इस्लाम हिंसा का नहीं बल्कि मोहब्बत का संदेश देता है, कुरान हिंसा का नहीं बल्कि एक दूसरे को गले लगाने का और अपने वतन को आगे बढ़ाने का संदेश देता है,
सब धर्म गुरुओं को आज आगे आना होगा। और सच मानिए, इस फंक्शन की, इस मंच की सफलता तो आज इसी से हो गई, क्योंकि हमारे बीच में आज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी निष्ठा पर शक नहीं किया जा सकता, जिनसे कोई शुक्रा नहीं किया जा सकता। हो सकता है हमें शक और शिकवे भारत के कुछ लोगों से हो, लेकिन कुछ लोग ही हैं, बाकी सब भारत के लोगों के दिलों में प्रेम की गंगा रहती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर, थोड़े से लोग उनकी वजह से अपने इस ताने बाने को छिन्न भिन्न ना होने दें। और साथ ही साथ मैं आपसे अंतिम बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि यदि आप चाहते हैं कि ये आज का मंच केवल मंच भर ना रह जाए, बल्कि मन से जुड़े, मतभेद हो सकते हैं कि मन भेद ना हो, और आइए ये हमारी मिट्टी, जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, ये हमारा वतन है, हम इसी मिट्टी की संतान हैं, और हम सब आगे बढ़कर साथ साथ मिलकर ये कसम खाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने वतन पर कोई आंच नहीं आने देंगे, अपने वतन को धब्बा नहीं लगने देंगे। कोई भी ताकत इस देश को कमजोर नहीं कर सकेगी अगर हम सब एक हैं, एक समृद्ध भारत के लिए, सशक्त भारत के लिए और सफल भारत के लिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। आइए हाथ मिलाएं, दिलों को जोड़ें, सभी हाथ उठा के एक दूसरे का हाथ पकड़ें और दिलों को जोड़ें, और हम सब मिलकर इस वतन को आगे बढ़ाएं। आज आदरणीय श्री अजीत डोभाल जी का आना, समझ लीजिए इस मंच की पूरी सफलता हो गई है। मुझे याद है जब ऋषिकेश में आए थे, दो दिन मेरे पास रुके, मैं आपको बता सकता हूं, उन्होंने जो गंगा के तट पर उद्बोधन दिया, जो स्पीच दी, जो भाषण दिया, ये उनके दिल की आवाज थी, उनका दिल वतन के लिए हमेशा धड़कता रहता है। उन्होंने जो कहा पूरे विश्व ने सुना, करोड़ों करोड़ों लोगों ने उसे वायरल किया। आज हमारे भीतर के वायरस को समाप्त करना है। वायरस किसी का भला नहीं करता है, कंप्यूटर में आ जाए तो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग नष्ट कर देता है, और हमारे दिलों में या दिमागों में आ जाए तो वहां पर भी उन सब की शांति को भंग कर देता है। हम अपने वायरस, हमारे दिलों में हो या हमारे दिमागों में हो, उसको हटाना है। एक वायरस आया था, 200 करोड़ टीके लगाकर फ्री भारत के उस वायरस को तो निपट लिया गया, लेकिन आज सब धर्म गुरुओं को इस वायरस से निपटना है, इस नफरत के वायरस से निपटना है जो अशांति पैदा कर रहा है। आइए मिलकर, अगर समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, तो हमें शांति कायम रखनी होगी, अपने वतन में अमन बनाए रखना होगा, तभी हमारा वतन चमन बना रहेगा। आइए मिलकर करें संकल्प और बढ़ाएं अपने देश को आगे। और ये सांझा वतन है, सांझी संस्कृति है, और इसको मिलकर हम लोग आगे बढ़ाएं और पूरे विश्व में एक मिसाल कायम करें। और आइए उस विश्व मिसाल कायम करने के लिए हम सबको अपने हाथों में मोहब्बत की मशाल को लेकर आज आगे बढ़ना है। आइए मिलकर काम करें और अपने वतन को इस मोहब्बत की रोशनी से सजा दें। धन्यवाद।